नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है सियासी ड्रामा और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में भाजपा की आंधी में ढेर हुए विरोधी, 8 दिन में ही टूटा कांग्रेस की जीत का सिलसिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सफलता से मचलती कांग्रेस को मात्र 8 ही दिनों में जोर का झटका लगा है। हरियाणा के निकाय चुनावों में भाजपा ने विरोधी दलों को करारी हार का स्वाद चखाया है। राज्यों में मिली हार के बाद हरियाणा में बेहद प्रदर्शन ने भाजपा के लिए संजीवनी का काम किया है। 5ों निगमों में मेयर का चुनाव बड़े अंतर से जीतकर भाजपा ने शहरों में अपना दम दिखा दिया। राज्य में भाजपा की सटीक रणनीति के सामने विरोधी दल ढेर हो गए। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा कि विरोधी एकजुट होने के बावजूद उसे भेद नहीं पाए। हरियाणा के भाजपा की जीत ने नए राजनीतिक समीकरण के संकेत दिए हैं। खासकर जाटलैंड में हुई भाजपा की भारी भरकम जीत भविष्य की राजनीति की तरफ इशारा कर रही है। इन चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मजबूत होकर उभरे हैं। इसके साथ ही हरियाणा में भाजपा की मिशन 2019 की राह भी आसान होती दिख रही है। भाजपा को अमूमन शहरी मतदाताओं की पार्टी माना जाता है, लेकिन हरियाणा के 5ों नगर निगमों में कई इलाके ऐसे भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ते हैं। ऐसे में भाजपा ग्रामीण मतदाताओं के बीच भी पैठ बनाने के साथ ही सरकार के कामकाज पर मुहर लगवाने में कामयाब रही है। हरियाणा में खट्टर के नेतृत्व में भाजपा सरकार है, उनके लिए सत्ता कांटों भरा ताज रहा है। जाट आरक्षण पर हुई सियासत और हिंसा को भला कौन भुला सकता है। फरवरी 2016 में जाट आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा को लेकर भाजपा की जमकर किरकिरी हुई थी। हिंसा का तांडव ऐसा था कि भाजपा मंत्रियों, विधायकों के घरों को भी निशाना बनाया गया था। लेकिन उस घटना के 22 महीनों बाद नगर निगम में भाजपा के पक्ष में जनादेश ने पार्टी को खासी राहत पहुंचाई है। अगर हरियाणा में भी हार का सिलसिला जारी रहता है तो भाजपा के लिए हालात और प्रतिकूल हो जाएंगे। लेकिन लगता है कि हरियाणा की जनता ने भाजपा की लाज रख ली है। कम से कम भाजपा एक और हार व अपमान से बच गई है। हरियाणा में भाजपा की बड़ी जीत से पार्टी के सभी नेता बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर निगम चुनाव में हुई भाजपा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पारदर्शी नीतियों और अमित शाह के दमदार नेतृत्व को दिया है। खट्टर ने कहा कि साफ नियत सही विकास के तहत किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों के कारण ही ये जीत संभव हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताया है। सीएम ने कहा कि हम पूरी पारदर्शिता तथा ईमानदारी के साथ आप सभी की सेवा में सदैव समर्पित रहेंगे। भाजपा को ये जीत भले ही राज्य के नगर निगम चुनाव में मिली हो, लेकिन ये जीत भी भाजपा के घटते मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। जब से विधानसभा चुनाव स्टार्ट हुए हैं तब से सारे ही पार्टियां, सारे ही पक्ष हो या फिर विपक्ष, वो अपने आप को मजबूती के साथ रखने का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। तो देखते हैं 2019 का चुनाव कितना ज्यादा दिलचस्प बन जाएगा। ये सारी चीजें हमें वक्त के साथ साथ पता चलेंगी। तो मैं जल्द ही लौटूंगी राजनीति से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें और आप हमारे सारे शोज और प्रोग्राम्स यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।